बिलासपुर कामधेनु सेना बिलासपुर के तहसील अध्यक्ष ममता पांड्या हुई निलंबित। बिलासपुर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय स्तर की गौ सेवा संगठन कामधेनु सेना की बिलासपुर तहसील अध्यक्ष ममता पांड्या को 3 माह के कार्यकाल में लगातार लापरवाही करने और निष्क्रिय रहने के कारण संगठन मुख्यालय के निर्देशानुसार तहसील अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है। इसके पहले भी इनको 3 बार चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। आप भविष्य में कहीं भी अपने परिचय पत्र लेटर हेड का प्रयोग ना करें, अन्यथा इसके लिए संगठन किसी भी प्रकार का जवाबदार नहीं रहेगा। अति शीघ्र ही बिलासपुर में नए तहसील अध्यक्ष की नियुक्ति कर तहसील टीम की घोषणा कर दी जाएगी। जो भी महिला पुरुष गौ भक्त संगठन से जुड़ने के इच्छुक हैं, वे अरविंद तिवारी छत्तीसगढ़ राज्य महासचिव के मोबाइल नंबर में 8839259771 पर अपना पूरा नाम, पिता, पति का नाम, डाक का पूरा पता हिंदी भाषा में टाइप कर मोबाइल नंबर सहित साफ सुथरी फोटो बिना चश्मा बिना टोपी के भेज सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्र उचित छानबीन के पश्चात परिचय पत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा। CNI न्यूज बिलासपुर से अरविंद तिवारी की रिपोर्ट। फरसगांव। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार फरसगांव पुलिस के द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही है एवं बाहर से आए हुए व्यक्तियों की पतासाजी की जा रही है। उसी क्रम में आज फरसगांव पुलिस द्वारा बडेडोगा मोड़ पर जांच की जा रही है। CNI न्यूज फरसगांव से खुशवंत सिंह बदेशा की रिपोर्ट। जगदलपुर। माहरा समाज ने चुनाव में BJP का समर्थन नहीं किया। हमारे संभागीय अध्यक्ष समाज के कुछ मुद्दों को लेकर या किन्हीं निजी कारणों से मुख्यमंत्री से मिले थे, लेकिन BJP के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया में बताया कि माहरा समाज चुनाव में BJP का समर्थन कर रहा है। BJP प्रवक्ता के इस बयान की माहरा समाज कड़ी निंदा करता है। उक्त बातें माहरा समाज के बस्तर जिलाध्यक्ष सुंदर सोढ़ी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सोढ़ी ने आगे कहा कि अभी तक हमारे समाज ने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया है। माहरा समाज उसी पार्टी को समर्थन देगा जो हमारी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में रखेगा और हमें लिखित में आश्वासन देगा। हमारे संभागी या अध्यक्ष बिच्छिम पोड़ी हमें सूचना दिए बिना मुख्यमंत्री से मिले, जिसका हमारा समाज विरोध करता है। हमारा समाज केदार कश्यप का विरोध करता है और चुनाव में उन्हें हराने वचनबद्ध है। आज हम लोग इस विषय में प्रेस वार्ता रखे हैं कि अभी जो 3-4 दिन पहले जो सोशल मीडिया और जो मीडिया में आई है कि हमारे जो संभागीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से जो मिलने गए हुए थे, तो उस बीच में उस समाज की बात भी रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से प्रेस में आया है, मीडिया में आया है कि महारा समाज पूरा भाजपा का समर्थन करता है, लेकिन ये हमारा महारा समाज का बयान नहीं है और ना ही ये प्रेस नोट है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये उनका है, तो इसका हम कड़ी विरोध करते हैं, उसका निंदा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से गए थे होंगे और उस बीच में जो है समाज का बात उन्होंने रखा था। अभी समाज का क्या स्टैंड है? अभी समाज का ये स्टैंड है कि वो जो बयान आया है जो मीडिया में आई है उसको पूरा बस्तर जिला हमारा समाज उसका खंडन कर रहा है। भाजपा अगर मैनिफेस्टो में लाती है या कांग्रेस लाती है तब समाज का क्या होता है? नहीं, हम पहले देखे तो ले कि कौन सा पार्टी हमारे समाज को मैनिफेस्टो में ले आती है। जो पार्टी मैनिफेस्टो में ले आएगी हम उसका समर्थन करेंगे। मंत्री केदार कश्यप का जो आप लोगों ने विरोध किया? नहीं, हमारा मंत्री केदार कश्यप साहब बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल विरोध है। और हमारे लोग पूरे जोर शोर से लगे हैं कि मंत्री केदार कश्यप को हराने के लिए, क्योंकि हमारा समाज वचनबद्ध है कि हम केदार कश्यप का विरोध करेंगे। CNI न्यूज जगदलपुर से वासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। मोहला। यहां जीत नहीं है आसान। मोहला मानपुर विधानसभा में होगी घमासान। बसपा नेत्री खगेश ठाकुर लड़ेगी निर्दलीय चुनाव। मोहला राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर में ST सीट बरकरार होने पर कांग्रेस, BJP, छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार है। वहीं छत्तीसगढ़ में बसपा और छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बीच कुछ विधानसभा में खुशी है तो कहीं जनताओं में प्रत्याशी बदलने की मांग है। मोहला मानपुर विधानसभा से BJP प्रत्याशी कंचनमाला भुआर्य, जोगी कांग्रेस से संजीत ठाकुर, आम आदमी पार्टी से अर्जुन मंडावी ने अपना नामांकन भर लिया है। वहीं कांग रेस ने अपना प्रत्याशी इंदरशाह मंडावी को चुना है। इस चुनाव में सभी प्रत्याशी अपने वनांचल क्षेत्र में जोर आजमाइश करेंगे। जनता के लिए कौन प्रत्याशी खरा उतरेगा इसका फैसला जनता के हाथ में रहेगा।
पिछले पंचवर्षीय में इस विधानसभा में कांग्रेस ने अपना जीत का परचम लहराया था। अब इस विधानसभा चुनाव को लेकर चार दमदार पार्टियां मैदान में उतरेंगी। इस बीच बसपा नेत्री खगेश ठाकुर ने निर्दलीय चुनाव का फैसला कर लिया है। मोहला मानपुर विधानसभा में जनताओं के बीच रही खगेश ठाकुर ने पल्लेमाड़ी माइंस में मजदूरों के हित में संघर्ष करते आ रही हैं, जो मजदूरों को अपना हक दिलाने के लिए आज भी डटे हुए हैं। अब देखना यह कि इस बीच अपन वर्चस्व बनाने के लिए किन किन प्रत्याशियों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। CNI न्यूज मोहला से जावेद की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ वार्ड नंबर 12 खंडूपारा में कुएं में गिरा पिता बेटी ने पिता की जान बचाने कुएं में लगाई छलांग, दोनों की हुई मौत। डोंगरगढ़ 25 अक्टूबर को वार्ड नंबर 12 खंडूपारा में घर के सामने सरकारी कुएं में रात्रि लगभग 8 बजे से 8:30 बजे के आसपास बॉबी भाटिया उम्र 43 वर्ष घर के सामने कुएं में गिरा पिता को कुएं में गिरता देख बेटी जसप्रीत उम्र 15 वर्ष ने पिता की जान बचाने कुएं में लगाई छलांग। पिता और बेटी को मोहल्लों वालों की मदद से बाहर निकाला गया और तत्काल 108 की मदद से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉने दोनों को जांच उपरांत दिनों को मृत बताया। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा बंटी की रिपोर्ट। हम हैं आपकी आवाज, हम जरिया हैं आपकी भावनाओं का, हम हैं आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।